नमस्कार दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स में मैं आयोस्य ओसा रेफरेंस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर कमेंट्स है तो उसको आप मुझे लिख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल दोस्तों ये वीडियो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होता है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओएसाई रेफरेंस मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी ओ का जो फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो ये एक तरीके का एक आईएसओ एस ओ स्टैंडर्ड ओस मॉडल है जिसको हम लोग एज ए फादर ऑफ़ द ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मॉडल यानी इसको हम बेस मॉडल की तरह मानते हैं इसको 1977 में डेवलप्ट किया था एन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन यानी जो डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़ के कम्युनिकेशन आपस में जो एक दूसरे का कम्युनिकेशन करने के लिए इसको बनाया गया था तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल इज द रिजल्ट ऑफ दिस यानी ये, ये आई ने इसको एक पर्टिकुलर ऑपरेशन यानी एक बेस मॉडल की तरह इसको डेवलप किया है एंड नाइनटीन एटी फोर दर रेफरेंस मॉडल वॉज एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर इसको एक पर्पज के लिए डेवलप किया था इसके बाद इसको ओपन कर दिया गया यानी इंटरनेशनली इसको अप्रूव uh, कर दिया गया है द टर्म ओपन डिनोट द एबिलिटी टू कनेक्ट एनी टू सिस्टम्स विच कन्फर्म टू द रेफरेंस मॉडल एंड एसोसिएटेड स्टैंडर्ड इसका मतलब है ओपन यानी ओपन सिस्टम इन कनेक्शन में ओपन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि इस रेफरेंस मॉडल को अडॉप्ट कर सकता है या फिर जो भी स्टैंडर्ड है उसके बेस पर काम कर सकता है तो वो सारे सिस्टम जो होता है आपस में कनेक्ट हो सकते हैं अब इसके पीछे जो प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास चार बेसिक प्रिंसिपल थे जिसके बेस पर इसको बनाया गया है तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है तो वो भी हमारे प्रिंसिपल का पार्ट होता है तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रिंसिपल जो होता है क्रिएट ए न्यू लेयर्स वेयर अ डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज नीडेड तो इसका मतलब है जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ये किस तरह से जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं यानी एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए जो लेयर होता है वो किस तरह से एक दूसरे के बीच में एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है एंड ईच लेयर यानी ये सेकंड प्रिंसिपल बनाने के पीछे जो होता है सेकंड प्रिंसिपल है कि ईच लेयर शुड परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन यानी इसमें यह बताया कि जितने भी लेयर्स हैं यानी यहाँ जितने भी हम लेवल ऑफ लेयर्स बनाएंगे सारे जो होता है एक वेल डिफाइंड फंक्शंस को प्रोवाइड करता है यानी वो जो फंक्शन प्रोवाइड करेगा वो फंक्शन कोई दूसरा इसको प्रोवाइड नहीं करेगा

OSI Reference model को बताया गया है कि दस आई मॉडल इज नाउ कंसिडर द प्राइमरी तरह होता है, यानी model, और इसके बेस पर बाकी सारे मॉडल्स हैोग्राम सच एज स्प्रेडशीट जैसे की हो गया थ्रू ए नेटवर्क मीडियम सच एज राइट टू अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम लोकेटेड ऑन अनदर तो इसका मतलब ओ एस आई मॉडल में एक इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया गया है कि एक इंफॉर्मेशन या जो होता है हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेंड कर सके या एक जगह से दूसरी जगह हम uh, कैसे यूज़ कर सके यानी नेटवर्क के थ्रू किसी भी दूसरे लोकेशन में अगर हमारा प्रोग्राम है तो उसको हम कैसे करके लोकेट कर सके और उसको रन कर सकें uh, तो ये इसका मेन मोटिव था वो एस रेफरेंस मॉडल बनाने के वजह एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पॉइंट है कि देस आर रेफरेंस मॉडल डिवाइड द प्रॉब्लम मूविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ओवर अ वर्क मीडियम इनटू सेवन लेयर्स एंड मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स तो इसका मतलब है कि वैसा जैसे कि हमने देखा कि प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि हमारे पास फोर प्रिंसिपल थे जिसमें लास्ट प्रिंसिपल में यह बताया गया था कि इतने नंबर ऑफ uh, हम लेयर्स रखते हैं जिससे कि सारे फंक्शनालिटीज होता है यूज हो सके तो वैसाई रेफरेंस मॉडल ने ऐसे करके सेवन लेयर्स बनाया है जिससे जिसके थ्रू जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसको इक्वली डिवाइड किया गया है और उसका सॉल्यूशन इन सेवन लेयर्स में प्रोवाइड किया गया है जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और सारे के साथ सारे लेयर जो होता है डिफरेंट फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो दिस सेपरेशन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल फंक्शन इज नोन एज लेयरिंग तो ये जो हमने स्मॉलर फंक्शन या मॉड्यूल्स यानी जो लेयर्स बनाए हैं सॉरी जो मॉड्यूल्स हमने बनाया जो है, जो डिवीजन बनाए हैं इसको हम लेयर के नाम से जानते हैं तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल इससे मतलब क्लियर हो गया कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज ए सेवन लेयर मॉडल अब हम देखते हैं कि जो लेयर होते हैं लेयर यानी सेवन लेयर्स किस तरह से काम करते हैं तो जो सेवन लेयर्स जो डिस्टिंक्ट सेवन यानी जो इंडिविजुअल सेवन लेयर्स को बनाया गया है जो कि सेपरेटली अपने जॉब्स को प्रोवाइड करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम इंट्रैक्शन करते हैं दो लेयर्स के बीच में सबसे पहला लेयर होता है टॉप लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर इस एप्लीकेशन लेयर में हम जो होता है जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया स्प्रेडशीट हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन हम यहां डेवलप करते हैं बाई यूजिंग अवेलेबल सॉफ्टवेयर तो, तो इस तरह से ये अपल्लीकेशन लेयर प्रिपेयर करने के बाद जो होता है प्रजेंटेशन लेर को वो डेटा हैंडल करता है और प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है अगेन जो प्रेजेंटेशन लेर ब्रीफ में बता देता हूँ प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब ये होता है कि हम किसी डेटा को अगर किसी फॉर्म में बना रहे हैं तो इसको एक अनादर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसमें सेंड किया जाता है जैसे कि कंप्रेशन करना इनकोडिंग करना इस तरह से हम प्रेजेंटेशन लेयर इसके बाद सेशन लेयर का इंपॉर्टेंट होता है हिसाब किताब रखना हिसाब किताब का मतलब है कि सपोज कल लो तो मैं किसी व्यक्ति के किस साथ यानी किसी कंप्यूटर के साथ अगर मैं कोई कम्युनिकेशन करता हूं तो वो कितने बजे उसके उसके साथ साथ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ हुआ कितने उसके साथ हुआ, और कितने बजे बजे सेंड और होता है उसका एंड हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तो एक सेशन सेशन तो के थ्रू इसको मेंटेन करते हैं अगर हमारा सेशन लंबा जाता है तो वो ब्रेक भी हो सकता है यानी हम एक सिक्योरिटी इस सेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कि हिसाब किताब का रखना कि कितने बजे तो ताकि हमको ये पता चल सके कि कब हमने मैसेज भेजा और कब हमको मैसेज रिसीव हुआ इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट ले

सेंड करते हैं और वो एक जगह से सेंड होके दूसरे एंड में वो रिसीव हो रहा है कि नहीं ये काम जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का यानी लेखा जोखा का, का काम यानी जो सेंड कर रहे हैं जितने पैकेट सेंड कर रहे हैं काउंटिंग का काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है उसके बाद नेटवर्क लेयर का काम जो होता है बेसिक जैसे कि हमारे पास ट्रक अगर हमने लोड कर दिया तो वो ट्रक रोडवेज के थ्रू होते हुए जाता है तो उसी तरह से अगर हम नेटवर्क में कोई पैकेट को लोड कर दिया तो वो जो होता है नेटवर्क के पाथ के थ्रू होते हुए जाता है तो ये डिफरेंट पाथ का सिलेक्शन कैसे होगा किस तरह से आगे बढ़ेगा बेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा कहीं अगर जैम लग गया तो दूसरे रूट को कैसे फॉलो करेगा तो यानी ये एक तरीके से नेटवर्क जो लेआउट्स uh, होता है नेटवर्क के जो रोड्स होता है उसको मैनेज करने का काम नेटवर्क लेयर का होता है अब आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर का मतलब होता है कि जो एक नेटवर्क यानी एक नोट से दूसरे नोट दूसरे नोट से तीसरे नोट यानी जितने भी हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे स्टॉपिंग पॉइंट्स होंगे यानी आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह दूसरे से तीसरे जगह हम जैसे प्रोपोगेट होता है तो जैसे दो डिफरेंट नोट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है है, वो डेटा लिंक लेयर संभालता है यानी ये नोड से नोड के बीच का डिफरेंस मतलब जो कम्युनिकेशन होता है संभालता है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एंड नोड से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड नोड का यानी ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर का जॉब एकदम सिमिलर होता है बट इसका जो एरिया होता है वो Different होता है। Transport layer जो होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के बीच के कम्युनिकेशन को संभालता है यानी कितना सामान हमने एक जगह से भेजा है और वो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में के पहुंचा है कि नहीं वो देखने के लिए अब इन दोनों ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में जितने भी स्मॉल होते हैं जिससे वाया होते हुए हमारा डेटा जा रहा है उन चीज़ों का हिसाब जो होता है डेटा लिंक लेयर रखता है और जो लास्ट जो होता है फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर का मतलब हमारे पास होता है कि हमारा जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है एज अ सिग्नल के फॉर्म में होता है डिजिटल डेटा के फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है तो जो हमारे पास फिजिकल मीडियम्स होते हैं जैसे वायरलेस या वायर्ड मीडियम होता है फॉर एग्जाम्पल को केबल ट्विस्टेड पेयर्स या हमारे पास ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है तो ये सब फिजिकल लेयर के थ्रू होता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेयर्स डिफरेंट सेवन लेयर्स इज हेयर यानी अब हम देखते हैं कि इन

तो सबसे पहला जो हम पैकेट्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन डेटा यूनिट्स यानी ए पी डी यू के नाम से यानी इसका जो यूनिट हो, तो होता है तो वही होता है सेम एज़ ब्लैक और ब्लू स्काई ब्लू एरो से शो किया गया है उसी तरह से प्रेजेंटेशन uh, लेयर में जब हम इंक्रिप्टेड या कंप्रेशन करते हैं तो उसका नाम होता है पी पी डी यू यानी प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा होता है उसके बाद सेशन लेयर जो उसको डेटा बनाता है यानी जो भी हिसाब किताब यानी कितने बजे लॉग इन हुआ है वो पैकेट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो इस तरह से जो डेटा हम बनता है सेशन लेयर में उसको सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स के नाम से जानते हैं सेम एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स यानी एक सोर्स ने यानी एक पर्सन ने डेटा भेजा है और वो डिफरेंट पोस्ट ऑफिस से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचा है तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मेंटेन करता है तो इसलिए उस डेटा यूनिट का नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा उसके बाद जो एक्चुअल होता है नेटवर्क में जो हमारे पास मैसेज होता है डेटा होता है वो डेटा जो होता है एक नाम से जाना जाता है दैट इज नोन एज ए पैकेट तो यानी ये पैकेट नथिंग बट एंड डेटा ही होता है बट इसको यहां पर नाम दिया गया है यानी नेटवर्क में जो भी चीजें ट्रांसमिट होती है वो पैकेट के नाम से होती है इंस्टेड ऑफ डेटा उसके बाद पैकेट जो होता है डेटा लिंक लेयर के के थ्रू जब मैनेज मैनेज होता होता है है यानी से note बीच में तो वो पैकेट जो होता है स्मॉल फ्रेम्स के हिसाब से सर्कुलेट uh, होता है तो इसलिए उसका नाम होता है फ्रेम तो फ्रेम से मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा लिंक लेयर का जॉब हो रहा है यानी डेटा लिंक लेयर के लिए यूनिट बना हुआ है और डेटा लिंक लेयर का प्रोसेस हो रहा है पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर का प्रोसेस हो रहा है इसके ऊपर जो होता है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं इसके बाद बिट्स में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा जो होता है फिजिकल लेयर का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि डिजिटल डेटा क्रिएट होता है और इस डिजिटल ले डेटा के रेस्पेक्ट में सिग्नल जनरेट होता है और ये डेटा सेंड होता है तो इस तरह से हमने देखा कि सेवन लेयर्स किस तरह से काम करता है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि एप्लीके डिफरेंट एप्ली जो लेयर्स होते हैं इसके डिफरेंट जॉब्स कैसे होता है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी क्या होता है इसके डिटेल्स में हम इसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे आ, मेल कर सकते हैं और आ, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा धन्यवाद थैंक यू